नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हरिद्वार कुंभ से संबंधित एक और जानकारी लेके आया हूँ और ये जानकारी हरिद्वार स्टेशन से संबंधित है। हरिद्वार कुंभ को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं, इसी वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। हरिद्वार स्टेशन में जो बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे सकूँ ताकि कुंभ के समय में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हरिद्वार कुंभ को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार स्टेशन के पास बहुत सारे होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु यहां रुक सकें। इस वीडियो में मैं आपको होल्डिंग एरिया के साथ साथ इनमें मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दूंगा, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, इससे पहले शुरू करें मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हरिद्वार कुंभ की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम हैं हरिद्वार स्टेशन में और स्टेशन को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टेशन पूरी तरह से खाली है जबकि कुंभ का समय चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टेशन खाली नहीं है बल्कि स्टेशन का एरिया बढ़ा दिया गया है और श्रद्धालुओं को होल्डिंग एरिया में रखा जाता है। जब उनके ट्रेन का समय होता है तभी अंदर जाने दिया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि स्टेशन में बदलाव क्या क्या हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा जो अभी नई बनाई गई है। स्टेशन के बाहर भगवान शिव साक्षात यहाँ विराजमान है जो कि हरिद्वार की हमेशा रक्षा करते रहते हैं। अब देखते हैं पुरानी वाली भगवान शिव की प्रतिमा, ये आप देख सकते हैं, ये है जो बहुत पहले से पुरानी शिव की प्रतिमा जो बनाई गई है। अब आप जानेंगे सबसे ज़रूरी जानकारी, रेलवे स्टेशन के सामने के जो गेट हैं वहां से एंट्री बंद हो गई है, सभी गेट में बैरिकेड लगाए गए हैं। इन गेट में से बीच वाला गेट बाहर निकलने के लिए है, यहां से आप बाहर निकल सकते हैं लेकिन अंदर नहीं आ सकते। अगर आप रेलवे स्टेशन के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको हरकी पौड़ी की ओर लगभग 300 मीटर चलना होगा। वहां पर आपको ये गेट मिलेगा, यहीं से आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप हरकी पौड़ी की ओर से स्टेशन आते हैं तो स्टेशन से लगभग 300 मीटर पहले दाहिने ओर ये गेट मिलेगा, यहीं से आपकी एंट्री होगी। एंट्री करने से पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन चलने का समय बाद में होगा आपको होल्डिंग एरिया में जब तक रोका जाएगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं होल्डिंग एरिया को। यहाँ पर चार बड़े बड़े होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेट और सिटी के अनुसार एरिया बटा हुआ है। जब आप वहां पहुंचोगे तो रेलवे और पुलिस के जो कर्मचारी हैं आपको एरिया बता देंगे, आपको अपने होल्डिंग एरिया में ही रुकना होगा। यहां पर आप पहले होल्डिंग एरिया को देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहां रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको पीने का पानी, बाथरूम की सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर पूछताछ केंद्र और टिकट की भी सुविधा मिलेगी। कोविड के नियम व राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ट्रेन आने से 2 घंटे पहले श्रद्धालुओं को स्टेशन परिसर के अंदर आने की अनुमति मिलेगी। 90 मिनट पहले ट्रेन पकड़ने वाले श्रद्धालुओं को प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को आधे घंटे तक स्टेशन परिसर में रुकने की अनुमति दी जाएगी। अब चलते हैं दूसरे होल्डिंग एरिया में। यहाँ पर भी आपको वही सारी सुविधाएं यहां पर मिलेंगी।
सभी होल्डिंग एरिया के गेट में रेलवे के कर्मचारी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे होल्डिंग एरिया में। यहाँ पर आपको कुछ श्रद्धालु दिख रहे होंगे, इसी वजह से स्टेशन के पास आपको लोग नहीं दिख रहे थे, क्योंकि श्रद्धालुओं को ऐसे ही होल्डिंग एरिया में रखा जाता है। अब चलते हैं चौथे होल्डिंग एरिया में। स्टेशन में अब पार्किंग अलाउ नहीं है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से संबंधित बहुत सारी ज़रूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। ऐसी ही हरिद्वार कुंभ से संबंधित और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।